अवस्था से कबरई मुख्य चौराहे तक संभावित फोन लेन सड़क को नगर के अंदर से बनाए जाने के विरोध को लेकर नगर के समस्त व्यापारियों ने गहोई धर्मशाला में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की। कस्बे के व्यापारियों के साथ जनपद के व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने भी शिरकत कर यहां के व्यापारियों का हौसला और भी बढ़ा दिया। पत्थर उद्योग नगरी के नाम से विख्यात कस्बा कबरई में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग को झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला 3.700 किलोमीटर लंबा बाईपास रोड बना हुआ है। कानपुर के नौबस्ता से करबई तक बनने वाले फोर लेन हाईवे को इस बार पास से जोड़ देने पर यह नगर के अंदर से नहीं गुजरेगा, जिससे मानक के अनुरूप मध्य रोड से 55 फुट दोनों ओर लिए जाने से नगर के मुख्य बाजार की पूरी तरह नष्ट होने का भी खतरा समाप्त हो जाएगा। साथ ही हाईवे पर चलने वाले तेज रफ्तार वाहनों से कस्बे के अंदर होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। नगर के व्यापारियों ने संघर्ष समिति बनाकर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। समाज सेवी व व्यापारी सी विशाल त्रिपाठी ने बताया कि पुराने मानचित्र के अनुसार कबरई कस्बे के अंदर सड़क की चौड़ाई मात्र 72 फुट है। पूर्व MLC जयवंत सिंह ने बताया कि यदि कबरई स्थित बाईपास को सीधा कर मानक के अनुरूप बना दिया जाए तो उसकी लंबाई स्वतः घटकर 3.5 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कम लागत में ही बाईपास प्राप्त हो जाएगा। साथ ही कस्बे के व्यापारियों व नागरिकों को भी किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। बाईपास को सीधा करने के लिए आवश्यक भूमि देने के लिए भूमि स्वामी मोहनलाल रैखवार ने अपनी सहमति दी। व्यापारियों को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष मूलचंद कुशवाहा ने नगर पंचायत की तरफ से प्रस्ताव पारित कर हाईवे को बाईपास से जोड़ने की मांग जिलाधिकारी सहित शासन स्तर पर भी भेजने को आश्वासन दिया। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष विनोद पुरवार, मंत्री राहुल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, संतोष गुप्ता ने कबरई के व्यापारियों को संघर्ष में हर तरह से साथ देने का भरोसा दिलाया। बैठक में उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री बनवारी लाल गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुरेश शिव हरे, कैलाश गुप्ता, उमेश वर्मा, राकेश गुप्ता, गोपाल दत्त पांडे, रज्जन शिव हरे सहित नगर के सभी 300 व्यापारी मौजूद रहे। और यहां से जो है हमने पिछले 10 वर्षों से ये मांग करते चले आ रहे हैं कि कानपुर कबरई नेशनल हाईवे को हमारे यहाँ निर्मित बाईपास जो 2005 में बना था कबरई में, उसको हमारी मार्केट से छोड़ करके वहाँ स्थानांतरित कर दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे नहीं तो हमारी सारे व्यापार नष्ट हो जाएंगे, सारी दुकानें नष्ट हो जाएंगी। यहाँ की आबादी 1,00,000 है और यहाँ का 25,000 व्यापारी प्रभावित होगा। 1,500 दुकानें स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, सरकारी क्रय विक्रय समिति, अखंडताकारी तमाम संस्थाएँ हैं, तिरसठ लोग हैं, सब ध्वस्त हो जाएगा। 65 फुट मांग रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ 65, दूसरी तरफ 65। हमारी मांग है कि इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, यहाँ नगर से ना निकाल करके बस्ती से वहाँ कबरई बाईपास से निकाला जाए, जैसा कि पूर्व में फतेहपुर जनपद में फतेहपुर में हुआ है कि कबरई फतेहपुर बस्ती से वो नेशनल हाईवे नहीं निकाला गया, बाईपास बनाया गया। खागा में भी यही हुआ है कि खागा बस्ती से ना बाईपास बनाकर से ना निकाल कर तो खागा में भी बाईपास बनाया गया, अजुआ में भी बाईपास बनाया गया। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बाईपास बना हुआ है, इसलिए उसका डाइवर्ट कर दिया जाए। हम व्यापार बंद करेंगे, क्योंकि हमारा सब व्यापार टूट जाएगा, व्यापार धराशायी हो जाएगा, सारी दुकानें बंद हमेशा समस्या के लिए हो जाएंगी। हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब हमारा व्यापार बंद होना है, हमारी मंडी ही खत्म हो जाएगी, तो हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, अनशन करेंगे। लगभग यहाँ 20-25 हज़ार प्रभावित हो रहे हैं, 20-25 हज़ार जनसंख्या व्यापारी समाज की, आम जनता, आम नागरिक प्रभावित हो रहा है।